बच्चे जो है ना चावल उबाल रहे हैं। ये देखो इस पे पूरा काम लकड़ी का हो रखा है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है कुल्लू सीरीज़ के एक नए ब्लॉग में। अभी मैं निकल रहा हूँ मणिकरण के लिए। अब मणिकरण एंड कसोल आज एक्सप्लोर करूँगा। अपनी बाइक पे लगेज बन चुके हैं, 20 लग रही है बाइक, तो थोड़ा सा बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। बाइक कर लिए स्टार्ट। कसोल का मैंने मैप लगाया है, मणिकरण कसोल, और यहाँ से 1 घंटे 10 मिनट का सफ़र है, 39 किलोमीटर बता रहा है। चलते हैं गाइस। धूप निकल चुकी है, ठंड तो नहीं फील हो रहा है, और देखो भाई हर जगह ना थोड़ा सा फोगी टाइप का है। भुंतर भी इस साइड ही है, मंडी भी इस साइड ही है। हाईवे सुंदर बना रखा है, बहुत सुंदर है। तेल है, तेल नहीं डलवाना अभी, आगे चल के देखेंगे। और देखो ये सारा शहर जो है ना, ये ब्यास रिवर के किनारे बसा हुआ है। 9.2 किलोमीटर तक मेरे को बोला गया है सीधे चलना है, गूगल जी ने बताया है। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े डंगे नीचे आ गए हैं। कुदरत के आगे किसकी चलती है, चाहे आप कितना भी बना दो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर दो, जब कुदरत अपनी पे आ जाती है तो मुश्किल हो जाती है। यहाँ से सीधे ही चलते रहना हाईवे पे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। भुंतर एयरपोर्ट 10 किलोमीटर है यहाँ से, और ये जो मैं जा रहा हूँ ना, ये मैं कुल्लू आया था पहले, इसी साइड से आया था कुल्लू, और ये जो मणिकरण है थोड़ा सा कुल्लू से थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए मैं वापस से मंडी वाला हाईवे जो है ना उस पर जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आरामदेह हो गया सफ़र इस हाईवे की वजह से। कुल्लू के लोग, मनाली के लोग सेब ज़्यादा बेचते हैं, शिमला के लोग सेब ज़्यादा बेचते हैं, एप्पल जब होता है ना उससे कमाई करते हैं। अभी 1.8 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड जाना है मुझे, कहीं हाईवे छोड़ के। कसोल 32 किलोमीटर ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ्ट है। यहां से है 8.2 किलोमीटर कसोल। 5 किलोमीटर के बाद मुझे लेफ्ट लेना है। सब थार 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 लेके घूम रहे हैं इधर, और आगे ना रास्ते कहीं कहीं कंजेस्टेड है, और धीरे धीरे अभी उतराई होने लगा, तो मे भी कसोल नीचे होगा। 4-5 किलोमीटर की उतराई है, पहाड़ों की गोद में बिल्कुल, जाम है और धूल है, दो चीज़ें हैं। पूरी सड़क नीचे धंस गई है, डंगे डंगे टूट गए इनके। और ये देखो एक मोटी सी जो पाइपलाइन दिख रही है ना सामने, उसमें से पानी पहाड़ के बीच में वो अटैच की हुई है, पता नहीं पहाड़ में कहीं पीछे से होगा पानी लेके आते हैं यहाँ के लिए, या यहाँ से पानी कहीं दूसरी जगह पहुँचाते होंगे। टाइम हो चुका है 11:48। किलोमीटर के बाद टर्न है, 5 किलोमीटर है कसोल यहाँ से, और कितने सुंदर लग रहे हैं देवदार के पेड़ और देवदार के जंगल हैं। बहुत सुंदर जगह है, जंगल ना घने हैं, और क्या मजा आ रहा है भाई। 5 किलोमीटर है और आगे, अभी तो बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गए हम, ऊपर से देख रहे थे नदी बहुत नीचे लग रही थी, अभी हम पास पहुंच गए इसके बिल्कुल पास। यहीं से जा सकते हैं,
क्यों ऐसा क्यों, उस साइड से क्यों नहीं गई पब्लिक? ठीक है। सो गाइस होटल ले लिया मैंने इधर कसोल में, सो चलते हैं अभी। बाइक इधर ही खड़ी करके गया था आगे तक ना, पार्किंग भी है अच्छा है, अंदर सेफ रहता है चीज़ें, पेट्रोल भी सामने बोले मिल जाएगा। अच्छे हैं रूम इसलिए ले लिया मैंने, बजट फ्रेंडली भी है और एक बंदे के लिए मोर देन सफिशिएंट। ये है अपना रूम, ये रूम है अपना गाइस। कैसा लगा रूम? सही है ना, इंटीरियर अच्छा है इसका, मच बेटर। ओ मैं फ्रेश हो गया हूँ और मैंने अपने राइडिंग गियर चेंज कर लिए हैं और अभी मैं जाऊँगा कसोल एक्सप्लोर करने के लिए। कल तक ना कोई ठंड नहीं लग रही थी मुझे। सो ये जो है ना पूरा कसोल ही, और कसोल की मार्केट है, यहाँ बहुत सारे होटल भी हैं रहने के लिए। कसोल को बोलते हैं मिनी इजराइल बोलते हैं। और ये ऊपर जा रहा हूँ मैं कसोल की मार्केट से, ये पूरा कसोल की मार्केट ही है, होटल कसोल। ऑयल अभी डलवाने की जरूरत नहीं, आते टाइम डलवा लेंगे। यहाँ लोगों की बाइक की धूल क्यों खा रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर लोगों की बाइकें धूल खा रही है तो कुछ तो पंगा है, कुछ तो लोचा है। गाड़ियाँ धूल खा रही हैं, वो भी बाहर के स्टेट के नंबर की। मुझे लगता है पब्लिक आके एक एक महीना यहीं बस जाती होंगी, गाड़ियाँ खड़ी हैं तो खड़ी हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं। ऐसे खड़ा कर दिया 3 फ्लोर का ये होटल, पतला सा 10x10 के रूम होंगे। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया है लैंड का इस होटल के अंदर ने। ये देखो कैंप भी हैं, ऐसे भी कैंप, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कैंप हैं, कोटेज हैं, होटल हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं इधर। बस बात है मनी की, तो हर किस्म के मिल जाएंगे आपको। जैसे होटल रॉयल पैलेस, नाम इसका रॉयल है। आधे बंदे तो ऐसे भी नहीं जाते होंगे हमारी तरह कि ना यार रॉयल नाम रखा है, कितना महंगा होगा पता नहीं, दूर से ही हट जाते होंगे। मैं पहुंच चुका हूँ मणिकरण, ये है मणिकरण। यहाँ एक गुरुद्वारा है और मंदिर भी है, देख के आऊँगा, माथा टेक के आएंगे मंदिर में। और ये बस स्टैंड है यहाँ का मणिकरण का। सो यहाँ बाइक खड़ी कर देते हैं, कोई मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 बज गए अभी। मणिकरण में मंदिर है और देख के आते हैं, और बोलते हैं मणिकरण में गर्म पानी निकलता है। और ये देखो भाई सस्पेंशन ब्रिज बहुत मिल जाएंगे हिमाचल में, एक और सस्पेंशन ब्रिज है। टूरिस्ट इधर बहुत घूमने आते हैं, मंदिर है मे भी तब भी आते हैं, गुरुद्वारा है, तो बाहर की स्टेट्स के लोग भी इधर आते हैं। प्राचीन राम मंदिर, ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये देखो इस पे पूरा काम लकड़ी का हो रखा है, पूरा लकड़ी की कारीगरी है पूरा। और ये है प्राचीन मंदिर भगवती नैना माता जी का है, तीर्थ स्थान मणिकरण में है ये। सीढ़ियाँ ना गर्म है, ये देखो भाई। ये देखो गर्म पानी है और उबल तो पानी है जिससे भाप निकल रहा है। चीज वो है ना, चावल उबाल रहे हैं, चावल को डाल दिए बर्तन में और कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया। और यहीं जो भंडारा होता है मंदिर में उसके लिए जो होता है ना, सब कुछ यही बनाते हैं, दाल और चावल यही उबालते हैं, इतना गर्म पानी उबलता है वो पानी निकलता है यहाँ पे। ये देखिए पूरा पानी उबलता हुआ पानी है।
जो मंदिर दिखाया है ये शिव भगवान जी का मंदिर है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जो धुआं बादलों की तरह उठ रहा है ये गर्म पानी का धुआं है, जो नदी के किनारे भी यहाँ पे गर्म पानी निकलता है उसका धुआं है, सारा धुआं गर्म पानी का है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं रूम में वापस और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए गाइज, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आप सभी से मिलता हूं मैं कुल्लू सीरीज़ के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।